रवि के पास अब एक बात ये समझने के लिए हम जाना चाहते हैं। रवि आप देख रहे हैं वहां पर अपने कैलकुलेशंस में लगे हुए हैं और आपके लिए जानकारियां जुटा रहे हैं, लेकिन रवि मैं आपके पास ये जानने के लिए पहुंचना चाहता हूं। कहा यह जाता है कि जब मोदी फैक्टर जो है बाकी फैक्टर्स को ट्रांसेंड कर जाता है, और ये भी कहा जाता है जब कई बार राज्य के चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाता है तो लोग कहते हैं कि उनके मुद्दे अलग होते हैं राज्य के, और जब नेशनल पर्सपेक्टिव में बात आती है तो बात अलग हो जाती है। यहाँ इस पर्सपेक्टिव से जब चीजों को आप देखते हैं तो क्या पाते हैं? देखिए दिनेश, एक बड़ी सिंपल सी बात है, जब हम राज्यों के चुनाव की बात करते हैं तो अक्सर हम उसको सेमीफाइनल की तरह देखते हैं, लेकिन जब आप गुजरात चुनाव की बात करते हैं तो वो ब्रांड मोदी के लिए वो एक एग्जामिनेशन की तरह होता है, क्योंकि गुजरात मॉडल का सीधा कनेक्शन ब्रांड मोदी से है, और ब्रांड मोदी का मतलब पूरे भारत में नरेंद्र मोदी की वो छवि जिसके बूते कोई भी राज्य का चुनाव बीजेपी लड़ती है। और अभी तक अगर जो पीछे आपके लोग दिखाई दे रहे हैं दुकान में बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से यहाँ चाय बन रही है, ये पान की गुमटी है, क्या है, जल्दी से आप यहाँ जा सकते हैं? मुझे नहीं मालूम दूरी कितनी, आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, कोशिश कीजिए प्लीज अगर ये हो सके। बिल्कुल 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 बिल्कुल, चाय की दुकान है, मैं कुछ लोगों से बात कर लूँ। देखिए क्या है कि गुजरात में दोपहर में लोग खाते पीते हैं, थोड़ा सुस्त आते हैं, ये एक दिनचर्या है। मैं गुजरात में हर जगह उबाल है चाय में, इस समय अगर आपने खाना खा लिया है तो सीधे 5 बजे के बाद बाजार खुलेगा। बिल्कुल देखिए चाय बन रही है यहाँ पर, जरा दिखाइए दिखाइए, चाय बनेगी थोड़ी देर में, जरा लोगों से मैं बात कर लूँ। एक चीज़ मुझे बताइए, यहाँ पर पहले चरण में चुनाव होना है, ठीक है, और सारी तैयारी अब होगी, नेता आएंगे, आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? नेता तो चुनाव के टाइम ही आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, वो तो आप भी तो चुनाव के समय वोट देते हैं। हाँ हम तो देते हैं मगर देखने जाएं तो ये अपना ये द्वारका विधानसभा है ना, हाँ। ना इधर कुछ एजुकेशन में हुआ है, ना कुछ अपना ये हॉस्पिटल में, हमारा हमको अभी इधर हॉस्पिटल की कुछ भी सुविधा चाहिए तो सीधा हमको जामनगर जाना पड़ता है। अच्छा, अगर छोटा सा भी फ्रैक्चर उंगली में तो हो जाए। आप चाहते हैं कि जामनगर वाली जो सुविधाएं वो द्वारका में भी आए? हाँ, यहाँ पे जो छोटी पब्लिक है, जिला नया बना है ना ये, हाँ, द्वारका जिला अभी घोषित हुआ, पहले जामनगर 6-7 साल हो गए, 6-7 साल हुए हैं पहले जामनगर। बहुत धन्यवाद, चाय की गुमटी के करीब से ये चर्चा आप हम तक पहुंचा रहे हैं, और गुजरात में चाय का, चाय वाले का, चुनाव के समय चाय पर चर्चा का क्या महत्व है, ये सब समझते हैं।